मैं जा रहा हूं और मेरे जाने का मतलब ये है, मैं देखूं लोगों के अंदर कितना गुस्सा, आक्रोश, रोष, और लोगों के साथ कितनी कोई बात बोलने दो, वो लोगों के साथ कितनी जातियां होंगी। ऐसे ही आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी ने जब ऑड इवन शुरू किया था, जिसको देख के लगातार चलान हो रहे थे, लोग परेशान हो गए थे पॉल्यूशन के नाम पर, और हम सबको पता था इससे कभी पॉल्यूशन कम होने वाला नहीं है, बल्कि बढ़ेगा, क्योंकि लोग एक एक गाड़ी ऑड की खरीद लेंगे और एक इवन की खरीद लेंगे। उन दिनों मेरे यहां फ्रैक्चर था टेनिस खेलने के कारण, इसलिए मैं बिस्तर पे पड़ा था, पर मैंने बहुत दिन देखा और जब ये देखा कि कोई बोल नहीं रहा है, तब विजय गोयल अपनी गाड़ी लेकर चालान लेकर निकल गया था। उसके बाद से आज तक ऑड इवन दोबारा नहीं हुआ है, समझ लीजिए कितना बड़ा रोष था। ऐसा ही श्रीलंका, दिल्ली बर्बाद हो चुकी है। बर्बाद किसने की, बोलो हमने। बर्बाद किसने की, हमने बर्बाद की। जगह जगह अनऑथराइज कॉलोनीज आ गई, जगह जगह आपने देखा होगा कि जो रेजिडेंशियल था उसमें कमर्शियल बन गया, सड़कों के ऊपर जगह नहीं है, पॉल्यूशन दुनिया भर का है, ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, कहीं से हम निकल नहीं सकते हैं, कहीं से हम निकल नहीं सकते हैं, और हमारा रहना दूभर हो गया है। मैं आज ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूं, ये एक दिन में नहीं हुआ, ये 70 साल के अंदर हुआ। मैं था जो वो ईमानदारी से अपने घर के अंदर रख रहा रह रहा था, जब मैंने देखा पड़ोसी ने अपनी 2 मंजिल और डाल ली और इसको कोई कहने वाला कोई कुछ नहीं है, तब मैंने भी देखा देखी 2 मंजिल और बना दी, फिर तीसरे ने भी बना दी देखा देखी, फिर चौथे ने भी बना दी, फिर हमने देखा कि हम घूस देते थे, वो रिश्वत लेते थे, और उसके बाद पहले बिल्डिंगें बनी, फिर पटरियों पे कब्जे हुए, और फिर सारा ये होता गया, दिल्ली खराब हो गई। मैं आज इसलिए खड़ा हूं कि जब 20 साल से दिल्ली खराब हो गई तो एक दिन आप अनाउंस करते हैं, पहले आप लोगों को करने देते हैं, जो मर्जी अवैध निर्माण करो, जो मर्जी सड़क को घेर लो, जो मर्जी पटरी में बैठ जाओ, जितने मर्जी करो, और उसके बाद अचानक आप आ जाते हैं, हम तोड़ेंगे, हम सील करेंगे। इस चीज के मैं खिलाफ, ये समझ लीजिए बात को, इस चीज के मैं खिलाफ। मैंने इनको कहा था, जैसा आप लोगों ने कहा कि भी हम कन्वर्जन चार्ज जमा कराने के लिए तैयार हैं, तैयार हो ना, कन्वर्जन चार्ज जमा कराने के लिए हम तैयार हैं। तो ऐसे ही अगर सरकार, सुप्रीम कोर्ट, मॉनिटरिंग कमेटी लोगों को अगर समय दे दे तो लोग जिन चीजों की बात कह रहे हैं वो अपने आप कर लेंगे। त्रिनगर के अंदर अगर पहले ये अनाउंसमेंट कर दी जाती, मान लीजिए कि भाइयों आप लोगों ने अपने गोदाम बना रखे हैं, अपने अपने शटर उतार के दरवाजे लगा लो, और कोई वो नहीं होना चाहिए, जो हो गया हमने आपको दे दिया 1 महीने 6 महीने का टाइम, तो मुझे बताओ सारा ठीक हो जाता है, नहीं हो जाता जाते नहीं। मैं आज भी कहता हूं ये दिल्ली हमारी है, हम आम तो जी लिए जैसे जीने हैं, आगे बच्चे आएंगे, बच्चे देखेंगे साली ये दिल्ली काम की रह गई है क्या, यमुना मैली की मैली, सरकार ने कुछ नहीं किया, दिल्ली की सरकार ने, ट्रैफिक जैम दुनिया भर का बढ़ता जा रहा है, मेट्रो आने के बाद भी सड़कों पे चलने की जगह नहीं, पॉल्यूशन का ऐसा स्तर हो गया है कि लोग अब दिल्ली के अंदर नौकरी नहीं करना चाहते। मॉनिटरिंग कमेटी को चाहिए था या सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि भाई लोगों को कहते 2 महीने हैं और हमारे ये कानून है जिनका आपने पालन नहीं किया, पहले तो यह मौका दिया जाना चाहिए था कि भाई जो चीजें अप्रूव हो सकती है उसको अप्रूव कर दो मास्टर प्लान के अंदर। जैसे आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने मास्टर प्लान में कुछ चीजें ठीक करी है ताकि लोगों को राहत मिल जाए, गोडाउन गोदाम ये वो, जैसे सीलिंग की जा रही है वो बिल्कुल गलत तरीका अख्तियार कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, जिस मकान के ऊपर शटर लगा हुआ है आएंगे सील कर जाएंगे, जिस आदमी का 10 पिस यहाँ पे रिलोकेट हुई थी, जो फैक्ट्रियां 2000 में रिलोकेट हुई थी, जिनको प्लॉट मिले थे 19, वो खाली पड़े हुए हैं,
वो कहते हैं कि ये खाली पड़े हुए हैं, ये गोदाम है और गोदाम को आगे जाए। दो बात ये, तीसरी बात यह है कन्वर्जन चार्ज के बारे में उनकी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कितना लेना है। कभी कहते हैं आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो आपको 8 साल का देने हैं, कभी कहते हैं आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ तो आपको 12 साल का देना है, तीसरी और पेनल्टी बहुत ज्यादा है। चौथी जो बात थी कन्वर्जन चार्ज के ऊपर लेट पेनल्टी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये था कि 79 के अंदर त्रिनगर को यूआरसी का स्टेटस दिया गया, त्रिनगर अनऑथराइज रेगुलाइज कॉलोनी का स्टेटस 79 में दिया गया। और उस टाइम एक मास्टर एक प्लानिंग कमीशन ने एक प्लान बना के दिया था कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी जो उसके अंदर एनमार्क की हुई है कि ये कमर्शियल है। उसके बाद ये बताया गया हमें एनसीडी के द्वारा, ये हमारे पास बकायदा उसके पेपर भी है कि एग्जिस्टिंग कमर्शियल प्रॉपर्टी पे कोई कन्वर्जन चार्ज नहीं लगेगा। ये भाई देखो दिल्ली में कोई सेलिंग नहीं होगी, 1 साल तक कोर्ट ने पास उसने पार्लियामेंट ने पास किया, हम 1 साल के अंदर सारे कानून मास्टर प्लान और सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक नहीं किया, फिर कहा 1 साल के और सेलिंग के ऊपर सेलिंग नहीं होगी, हम 1 साल में सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर ऐसे करते करते 7 साल निकाल दिया। कोर्ट ने कहा तुम्हारी अच्छी तरह से तुम कुछ कर नहीं रहे हो तो चलो शुरू करो, ये कुछ नहीं करेंगे। तो कोर्ट इसके अंदर आकर कूद गए। तो सवाल यह है कि तब कोर्ट ने इतना प्रेशर किया कि भाई आप पहले कुछ करके देखो, जो आपने देखा होगा ना सड़कों पे जो एनक्रोचमेंट हो गई थी वो अपनानी शुरू की, वो कोर्ट को करने के देखा था। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में साफ साफ तौर पर एक बात करने आया हूं। पहली बात, जिन लोगों के अंदर गोदाम है, आप जैसे अब ये शटर लगे हुए हैं और हम लोग कहते हैं गोदाम नहीं, वो क्या कहते हैं 100 शटर खोले 10 में गोदाम निकल गया तो कहते हैं सारों में गोदाम। ये तो आप गलत है ना, अलग अलग को अलग अलग देखा जाना चाहिए। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं विजय गोयल त्री नगर की इस समस्या को लेकर मॉनिटरिंग कमेटी को मिलेगा भी और मॉनिटरिंग कमेटी से लड़ेगा भी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसके लिए आप अपने डेलीगेशन तैयार रखें और मैं उनसे बात करूंगा इसके कारण क्या है। भोलेलाल से बात करें, मॉनिटरिंग कमेटी तो राजा हो गई, राजा ऐसे राजा हुई है कि आम आदमी की बात को सुनते नहीं है। ये नहीं हो सकता कि सबको चोर समझ के चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है उस लोगों ने कानून का पालन नहीं किया होगा, ये नहीं हो सकता सबको चोर समझ के जाए। दूसरा, ये जो कन्वर्जन चार्ज वाला मामला है जिसके बारे में आपने कहा कि भैया अस्पष्ट है, इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है, वो जो कन्वर्जन चार्ज है उसके बारे में एमसीडी से जो कुछ होता है उसके लिए मैं आपके सामने कमिश्नर को पेश करूंगा और आप कन्वर्जन चार्ज के ऊपर अपना ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर मैं आपको हल निकालकर दे दूंगा। इसमें भी ताली बजाओ, ब्लैक एंड व्हाइट का हल निकालकर दे दूंगा। ये दूसरी बात कह रहा हूं। तीसरी बात जो है, जिस अफसरों ने यहां आकर हमारी कॉरपोरेटर मंजू शर्मा, जिस अफसरों ने यहां पर आकर बदतमीजी की या गलत तरीके से काम किया है, उन अफसरों की भी रिपोर्टिंग होगी। मैं आज भी कहता हूं ये दिल्ली हमारी है, हम आज तो जी लिए जैसे जीने हैं, आगे बच्चे आएंगे, बच्चे देखेंगे साली ये दिल्ली काम की रह गई है क्या, यमुना मैली की मैली, सरकार ने कुछ नहीं किया दिल्ली की सरकार ने। ट्रैफिक जैम दुनिया भर का बढ़ता जा रहा है, मेट्रो आने के बाद भी सड़कों पे चलने की जगह नहीं, पॉल्यूशन का ऐसा स्तर हो गया है कि लोग अब दिल्ली के अंदर नौकरी नहीं करना चाहते। मॉनिटरिंग कमेटी को चाहिए था या सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि भाई लोगों को कहते 2 महीने हैं और हमारे ये कानून है जिनका आपने पालन नहीं किया। पहले तो ये मौका दिया जाना चाहिए था कि भाई जो चीजें अप्रूव हो सकती हैं उसको अप्रूव कर दो मास्टर प्लान के अंदर। जैसे आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने मास्टर प्लान में कुछ चीजें ठीक करी हैं ताकि लोगों को राहत मिल जाए, गोदाम वोदाम ये वो। कहता हूं जैसे मैंने अपने भाषण में कहा कि भाई 2 महीने पहले 2 महीने का टाइम लोगों को दो कि अगर किसी ने ठीक तरह से अपनी दुकान गोदाम कारखाने का गलत इस्तेमाल किया है
तो वो उसको खुद ही ठीक कर ले। अगर वो खुद ठीक नहीं कर पाए दो महीने में करे उसके बाद ये करें। ये तो मोटा मोटी बात सभी कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग कमेटी कोई सुन रहा है, लेकिन मॉनिटरिंग कमेटी सुनने को तैयार नहीं है। उसी को सुनवाने के लिए मैंने यहाँ पर उसी को सुनवाने के लिए मैंने कहा है कि हम लोग मॉनिटरिंग कमेटी के साथ जाएंगे। हमारा जाने का असर कुछ और है। दिल्ली के सांसद हैं, उन्होंने भी अभी तक लोकसभा में इस विषय को उठाया नहीं। नहीं नहीं, लोकसभा में तो ये विषय कई बार उठा, अगर आप प्रोसीडिंग निकाल कर देखेंगे तो कई बार उठा। पर अभी मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और मॉनिटरिंग कमेटी को एक टाइम दिया गया था, पर जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है, उसको देखते हुए उनको अपने जो आदेश हैं उनमें कुछ सुधार लाना होगा। आपका एक्शन प्लान क्या होगा? मैंने बता दिया।